नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम नागर, प्रिंसिपल गुरुकुल महिला कॉलेज। एक आह्वान के लिए आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हमने अभी एक एनजीओ द प्रकृति द यूथ के साथ महाविद्यालय ने करार किया है, और उस करार के मुतल्लिक और जो अभी त्यौहार हमारा पतंग का आने वाला है उसके मुतल्लिक एक दो बातें कहना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे अहम बात है कि आज जहां हम अपने शौक़ पूरे करने के लिए जितनी कोशिश करते हैं उसके साथ साथ एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि जो पक्षी जब उड़ान भरते हैं तो उनके उस उड़ान में हमें अवरोधक नहीं बनना चाहिए। इसलिए मेरी एक तो सबसे पहले ये आप सबसे गुजारिश है कि प्रातः जब पक्षियां अपने उड़ान भर रही हैं और संध्या काल में जब वे अपने पुनः निवास स्थान पे की ओर अग्रसर होती हैं तो उस समय हम पतंग ना उड़ाएं। दूसरा जो है, दूसरी सावधानी जो हमें बरतनी है कि ऐसे धागा का, अपने देसी धागों का हम इस्तेमाल करें जो विदेशी धागे हैं, चीनी धागे हैं, जो बड़े धारदार होते हैं और पक्षियों को बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं। तो उस दिशा में भी हमें ये सावधानी बरतनी होगी कि हम थोड़े अपने पर्यावरण को लेके हम थोड़े जागृत रहें, हमारे जो इर्द गिर्द अन्य जो प्राणी हैं उनको लेके हम जागृत हों और अपना राष्ट्र धर्म निभाने की कोशिश करें। त्यौहार है, होते हैं, आते हैं, हर्षोल्लास से हमें उसे मनाना चाहिए, उसमें शरीक होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जो नैतिक, राष्ट्रीय और सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको ताक पर रख दें। मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम पूरी सावधानी बरतें। जो प्रातः जो काल है उस दौरान जो है हम पतंग ना उड़ाएं और ऐसे देसी धागों का इस्तेमाल करें जिससे कम से कम पक्षियों को नुकसान। जय हिंद, वंदे मातरम। एक तीसरा पहलू इसमें सम्मिलित होना है, ज़रूरी है कि पटाखों का हम इस्तेमाल ना करें। पटाखों से जो है पक्षियां घबरा जाती हैं, उनकी जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उसमें बड़ा विघ्न स्वरूप ये पटाखे साबित होते हैं। तो ये भी इस अवसर पे मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि जहाँ हमारे ये कुदरती जो जीव हैं, पक्षी हैं, पक्षी अभयारण्य हैं, कम से कम ऐसे क्षेत्रों में हम पटाखों को फोड़ना, कम से कम उनसे हम दूर रहें और ये सावधानी बरतें। जय हिंद, वंदे मातरम।